respected father rector, father principal, Ajay Tirki, all teachers, dear students and parents, namaskar and good morning all of you. First of all, hearty welcome to all newcomers. से एक मेरा सवाल है, आप में से कितने लोग खेल को पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं? वेरी गुड, बहुत सारे हाथ उठी है। आपको मैं एक संदेश दे रहा हूं, कोई भी खेल को अपने जीवन में अपनाइए। अगर आप लूडो खेलना पसंद करते हैं तो लूडो भी खेलिए मन लगा के। खेल को आप अपने पार्ट बनाइए। दूसरा, आप आर्ट्स में आए हैं, बहुत लोग सोचते होंगे, जैसे गार्जियन के बीच में एक आम नजरिया है, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने। एक बात मैं आज, क्योंकि मैं फादर का दोस्त हूं, जहां आप क्लास करने जा रहे हैं वहां सेंट जॉन्स स्कूल हुआ करता था, मैं उसी स्कूल का छात्र रहा हूं। आज हमारा स्कूल शिफ्ट कर गया उधर और आप उसमें कॉलेज के रूप में अध्यापन करेंगे। जब मैं बोर्ड लिखा था, आई वाज द सेकंड टॉपर इन सेंट जॉन्स स्कूल। जब मुझे 709 नंबर आए थे और मैंने आर्ट्स को चुना, सभी दोस्त, रिश्तेदार, संबंधी सब यही बात कहा करते थे, साइंस क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैं कहा मेरी मर्जी, मुझे आर्ट्स में ही कुछ करना है। और आप ये समझ लीजिए कि उसमें आर्ट्स में बहुत ही स्कोप है, कहीं से आप साइंस से, कॉमर्स से कम नहीं है। आप में से बहुत लोग चूंकि मोबाइल यूज करते हैं, थोड़ा जिज्ञासुक होंगे तो आप सभी चीज उसमें देख सकते हैं। ऐसे तो मैं बताऊंगा कि ऊपर से कि किस किस ग्रेड में आप जा सकते हैं। सबसे टॉप लेवल का जो एग्जाम होता है वो तो यूपीएससी होता है, सभी जानते हैं। उससे आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं, सीबीआई में जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे सेक्टर हैं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी स्कोप हैं। आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, आप फर्दर स्टडी करके एमबीए लो करके आप अन्य और स्कोप आपके लिए खुला हुआ है। आपको खोजना है कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। इसके लिए आप जब लाइफ में जाइएगा तो बहुत बार आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपके गुरु हो गए। जिस तरह मैं आज यहां बोल रहा हूं, इट वॉज द सेकेंड टाइम आई केम हियर एज ए चीफ गेस्ट। फादर टेटे हुआ करते थे उस समय, ग्रेजुएशन लेवल के में यहाँ जो प्रिंसिपल थे, तो मैं हमेशा आया करता था। और कुछ गुरु मिले, उनके जो बातें मैंने सुनी और उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी स्लगिश, लेजी आपको नहीं होना है लाइफ में। इससे सबसे पहले कौन खुश होंगे पता है? आपके पेरेंट्स। और पेरेंट्स यदि खुश रहेंगे तो आपको हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा। सेकेंड थिंग है टाइम मैनेजमेंट। आप, मैं बोला कि आप रोज खेलिए, कंप्यूटर में खेलते हैं तो कंप्यूटर में भी खेलिए, लेकिन टाइम को मैनेज कीजिए।
जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे तो आपसे जो आपका लेजीनेस है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। और आर्ट्स में चीज मैं आप लोग को बता के जा रहा हूँ, चाहे आप हिस्ट्री पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी पढ़िए, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़िए। मैं यहाँ से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हूँ, सिंपल इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद मैं बीपीएससी पास कर गया। मैं किसी कारणवश एमए वगैरह नहीं कर पाया, फर्दर स्टडी लॉ में भी मैं किया लेकिन वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, कहीं भी जाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। पहले बिहार था, उसके बाद झारखंड बना। झारखंड बनने से क्या हुआ कि सभी ये दूरियां कम हो गई। ये तो जब बिहार था तो मैं मुजफ्फरपुर में अपनी सेवा दिया हूँ, छपरा में जिले में अपनी सेवा दिया हूँ, उसके बाद यहाँ आ गया। तो आप जब गेम को अगर एक ले रहे हैं और टाइम को मैनेज कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने लाइफ में जीत गए। और स्टडी में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पढ़िए। हिस्ट्री में आप देखिएगा, जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो एक खिलजी वंश आया, मुगल वंश आया, जितने भी डायनेस्टी आए हैं इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमेशा याद रख सकते हैं। कोई भी चीज का थ्योरी होता है ए बी सी डी का, अगर आपने सी छोड़ दिया तो आप डी को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमेशा इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए। कौन लोग आप में से जितने न्यू कमर हैं मजबूर होकर आर्ट्स पढ़ रहे हैं, जरा हाथ उठाइए। मजबूरी में नहीं ना पढ़ रहे हैं? थैंक यू एवरीवन। भाग्य पर आप लोग विश्वास करते हैं, सब कोई करता है, कुछ गार्जियन से सुनता है, कुछ ऐसे माहौल बनते हैं, कुछ संस्कृति में है कुछ। तो मैं आप लोगों को कह देता हूं, संजीवर कॉलेज में एडमिशन आपका हुआ, आपके लिए भाग्य ने दरवाजा खोल दिया। मैं जिस विभाग से हूं उसके बारे में कितने लोग जानते हैं? रेस्टोरेंट में खाते होंगे तो जीएसटी कटता होगा। दो भाग, जब ये 18% हुआ था, माय सन, मेरे बेटे ने मुझसे कहा, पापा ये बहुत ज्यादा जीएसटी ले रहे हैं। और उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने सुन ली, उन्होंने रेट कम कर दिया। क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिसको सब कोई इंजॉय करते हैं। जीएसटी के बारे में मैं कुछ बताता हूं। इन द ईयर 1954 जीएसटी स्टार्टेड इन द कंट्री फ्रांस। नाउ इन 160 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अडॉप्टेड जीएसटी सिस्टम। व्हाई इंडिया अडॉप्ट? पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करती थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कोई भी चीज आप जो पहने हैं ओढ़े हैं वो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, कहीं भी वो मैन्युफैक्चर होती है, बनती है, उसके बाद उसको असेंबल किया जाता है, इस तरह उस चीज का निर्माण होता है। तो पहले भिन्न भिन्न तरह के बहुत सारे टैक्स थे, वैट था, प्रोफेशनल टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, एंट्री टैक्स था, इस सब को सज्यूम करके एक टैक्स बना, जिसका सिद्धांत था वन नेशन वन टैक्स। और 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया और सारे स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया। ये तीन तरह का होता है, एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक होता है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक होता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ज्यादा
इंटीग्रेटेड जो होता है, मान लीजिए कि आप यहां से कोई माल बाहर भेज रहे हैं, स्टेट से बाहर, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, तो उसमें इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। ये टैक्स सीधे चला जाता है केंद्र सरकार के। और सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो दो भाग में हर कोई को यहां लेना है, कोई भी बिजनेसमैन को लेना है। ये इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में। हम आप जितने भी चीज पहनते ओढ़ते यूज करते हैं, घर में पेंट लगाते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, आप भी गवर्नमेंट के इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, क्योंकि आपसे इनडायरेक्ट रूप से टैक्स लिया जा रहा है, जो टैक्स सरकार के खाते में जा रहा है, और फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट इसका यूज सरकार करती है। मैंने जैसा कहा कि जेल कॉलेज में आप आ गए, आपका भाग्य खुल गया। हमारे समय में कहा जाता था देर इज नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। सेकेंड ईयर स्टूडेंट कितने हैं आपके जेवर कॉलेज का? लोगो आपको पता होगा, है ना? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी आपको यही सिखाना है। विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। जब आपका विद्या का निर्माण करेगा, अच्छी सोसाइटी बनेगी, अच्छा डेवलपमेंट होगा और देश विकास की गति पर दौड़ेगा। थैंक्स टू ऑल जेवेरियन एंड अगेन माय विशेस टू ऑल न्यू स्टूडेंट। धन्यवाद देते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि को।